देखिए दोस्तों, यहाँ पे हर जगह नट्स ही नट्स है। देखिए देखिए कितना सॉफ्ट है, देखिए हमारा केक, ये देखिए देखिए। यहाँ पे प्लम केक के लिए मैंने यहाँ पे घर का बना ऑरेंज जूस लिया है, इसे मैंने घर पे ही बनाया है। यहाँ पे ब्लैक रेजिन है, यहाँ पे गोल्डन रेजिन है। इसके बाद यहाँ पे मैंने काजू लिया है जिसे मैंने कट कर लिया है, ये मस्क मेलन सीड्स है। यहाँ पे चेरीज़ लिया जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, ये मिक्स टूटी फूटी है, ठीक है। अब चलिए इस सारे नट्स को मैं इस ऑरेंज जूस में मैं सोक कर लेती हूँ। मैं ब्लैक रेजिन डाल दे रही हूँ, गोल्डन रेजिन, चेरीज, इसके बाद यहाँ पे टूटी फ्रूटी, इसके बाद यहाँ पे मैं काजू डाल रही हूँ, यहाँ पे ये मस्क मेलन सीड्स है। इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे मैं 2 घंटे के लिए कवर करके छोड़ दूंगी ताकि ये नट्स अच्छे से सोक हो जाएं। मिलती हूँ मैं आपसे 2 घंटे बाद। सॉरी दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको आमंड दिखाना भूल गई, यहीं पे मैं आमंड भी डाल देती हूँ। इसे मिला लेते हैं, इसे मैं कवर कर दूँगी, इसे 2 घंटे के लिए मैं छोड़ देती हूँ। अब मैं कैरेमल बनाऊँगी, इसके लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया है। गैस की फ्लेम को एकदम आप लो पे रखिए। इसके बाद यहाँ पे मैं 1/4 कप मैं यहाँ पे चीनी डालूँगी। आपको यहाँ पे पानी नहीं डालना है, ठीक है। चीनी को मैं अच्छे से फैला दूँगी, ठीक है। इसको चलाना नहीं है, अभी इसको मेल्ट होने देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे शुगर हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया है। आप गैस की फ्लेम को एकदम लो पे रखिए। देखिए दोस्तों, चीनी में हमारा ब्राउन कलर आ रहा है, ठीक है। इसे भी पकाना है इसको, इसे आपको कंटिन्यू चलाना है, ठीक है। जल जाएगा, इसको जलाना नहीं है, इसमें बस सिर्फ मुझे ब्राउन कलर चाहिए, ठीक है। ये दोस्तों, यहाँ पे शुगर में हमारा अच्छा कलर आ चुका है, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी। थोड़ा सा पानी और डालूँगी इसमें। देखिए हमें यही कलर चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैरेमल बनकर हमारा हो गया है तैयार। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ, ठीक है। अब इसे अच्छे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। 2 घंटे हो चुके हैं दोस्तों, चलिए अपने सोक किए हुए नट्स को मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखिए नट्स हमारे यहाँ काफ़ी अच्छे सोक हो चुके हैं। देखिए केक को बेक करने के लिए मैंने गैस पे एक पतीला चढ़ा दिया है। गैस की फ्लेम को आप एकदम लो पे रखिए, इसे मैं 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने 6 इंच का केक टिन लिया है, मैं केक को इसमें बेक करूँगी। पहले इसे मैं ऑयल से ग्रीस कर लेती हूँ। मैंने केक टिन में अच्छे से ऑयल लगा लिया है, साथ ही मैं यहीं पर बटर पेपर लगाऊँगी ताकि हमारा केक ईजिली निकल जाए, ठीक है। अब मैं साइड में भी बटर पेपर लगाऊंगी। आपके पास अगर बटर पेपर ना हो तो आप सूखे मैदे से डस्ट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने केक टिन में बटर पेपर लगा लिया है। अब चलिए अपने बैटर को बना लेते हैं। इसे मैं साइड में रख देती हूँ। बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 कप पाउडर शुगर लिया है। इसके बाद यहाँ पे मैं मिल्क डालूँगी, ये 1/4 कप मिल्क है। आपको सारा सामान रूम टेम्परेचर पर ही लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं 1/3 कप रिफाइंड ऑयल डालूँगी, और रिफाइंड ऑयल के बदले आप बटर भी ले सकते हैं। इसे अच्छे से मिलाना है। इसके बाद यहाँ पे मैं वनीला एसेंस डालूँगी, ये 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस है। इसे अच्छे से मिला लेते हैं, इसे अच्छे से मिलाना है। अब यहीं पर मैं एक छन्नी रखी हूँ, यहीं पे मैं 1 कप मैदा डालूंगी। इसे अच्छे से छान लेंगे, साथ ही मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डालूंगी। इसे भी छान लेते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर और मैदे को अच्छे से छान लिया है,
अब ये देखिए दोस्तों, यहीं पे मैं 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े और 2 इलायची और 2 लौंग को मैंने अच्छे से पीस के पाउडर बना लिया है। इसे मैं यहीं पे डाल दूँगी। अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं। यहीं पे मैं कैरेमल को मैं डालूंगी। सिर्फ अच्छे से मिला लेते हैं। यहीं पे मैं सोख की हुई नट्स को डालूंगी। इसे भी मिला लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा बैटर ऐसा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। देखिए, फिर इसके ऊपर मैं एक छन्नी रखूँगी। इसके बाद यहाँ पे मैं 1 टीस्पून में यहाँ पे बेकिंग पाउडर डालूँगी। देखिए, इसके बाद मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालूँगी। के बाद यहाँ पे 2 पिंच जितना मैं यहाँ पे नमक डालूंगी। इसे भी अच्छे से छान लेते हैं। इसको एक्टिवेट करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा विनेगर डालूंगी। ये 1/2 टीस्पून विनेगर है। इसे फटाफट मिलाएंगे। इसे केक ट्रे में फटाफट पोर कर दूंगी। इसे मैंने केक ट्रे में ट्रांसफर कर लिया है। इसे मैं ऐड कर लूंगी ताकि जो भी एयर हो वो निकल जाए। इसके बाद मैं इसे काजू से इसे मैं थोड़ा डेकोरेट करूंगी। चलिए दोस्तों, इसे मैं बेक होने रख देती हूँ। हमारा बर्तन भी प्रीहीट हो चुका है। अब यहीं पे मैं एक स्टैंड रखूंगी। इसके बाद मैं इस केक टिन को रखूंगी। इसका लीड लगा देती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे 45 मिनट बाद। गैस की फ्लेम को आप एकदम लो पे रखिएगा। चलिए दोस्तों, मैं अपने केक को यहाँ पे चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे एक साफ टूथपिक डाल के मैं देख लूँगी। केक हमारे यहाँ पे हुआ नहीं है। मैं इसे और 10 मिनट के लिए कवर करके मैं छोड़ दूँगी। मैं आपसे 10 मिनट बाद। अब यहीं पे मैं एक टूथपिक डाल के देख लूंगी। देखिए दोस्तों, हमारा टूथपिक एकदम यहाँ पे क्लीन आया है। मैं गैस की फ्लेम को अब बंद कर दूंगी। केक टिन को मैं बाहर निकाल लूंगी। देखिए दोस्तों, मैंने केक टिन को पतीले में से बाहर निकाल दिया है। अब इसे मैं साफ टॉवल से ढक के आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी ताकि हमारा केक अच्छे से ठंडा हो जाए। इसके बाद मैं इसे डिमोल्ड करूंगी। आधा घंटा हो गया दोस्तों। चलिए मैं अपने केक को देख लेती हूँ। देखिए, साइड से मैं बटर पेपर निकाल लूँगी। देखिए दोस्तों, हमारा केक कितना यहाँ पे सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। देखिए, मैं बटर पेपर को निकाल लूँगी। ये देखिए, देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। मेरे काटने से आप लोगों को समझ में आ गया होगा हमारा केक कितना सॉफ्ट बना है।
प्लम केक की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।